एक और ब्रेजा आप लोगों के सामने है। ये ब्रेजा का LXi मॉडल है, बेस मॉडल है। इसको जो लुक हमने दिया है, इसको जो हमने अपग्रेड किया है, मेरा आप लोगों से दावा है कि इसका टॉप मॉडल भी अगर आप लेंगे वो भी थोड़ा सा फीका है। इतना बढ़िया लुक इसके LXi मॉडल को हमने दिया है। वंस अगेन वी प्रेजेंट टू यू द GT Line मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रेजा। लुक देख सकते हैं कि वाइट गाड़ी के ऊपर वाइट कलर का बम्पर, सिंगल प्रोडक्ट, आगे से जब लगता है पूरा का पूरा जो चेहरा है सामने से चेंज हो जाता है। इस बम्पर को जब सैटिन रेड कलर की ग्रिल के साथ हम देखते हैं तो क्या ही ज़बरदस्त लुक है जो मेरी ब्रेजा को देखने को मिल रहा है दोस्तों। साइड सेक्शन में अगर हम बात करें तो वाइट गाड़ी है, बट साइड का जो सेक्शन है हाई ग्लॉस ब्लैक PPF हमने किया हुआ है। इसकी फिट फिनिशिंग आप लोग देख सकते हैं ब्रीजा पे कितनी अल्टीमेट हमको देखने को मिल रही है। रूफ रेल्स इसके अंदर हमने लगाई है जैसे इसके टॉप मॉडल ZXi प्लस में हमको देखने को मिलती है। बट जो आन बान और शान है गाड़ी की दोस्तों इस द रियर बम्पर डिफ्यूज़र। किस तरीके से ये बम्पर जो हमने ऐड किया है पीछे की तरफ, इट्स गिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल लुक टू माय कार विथ 1, 2, 3 and 4 एग्जॉस्ट। बट जो धमाका है आप लोग ने इतना प्यार मुझे दिया है ब्रेजा के ऊपर, इट्स टाइम टू गिव बैक टू द ब्रेजा कम्युनिटी। पीछे की हेडरेस्ट मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों को लगा के दूंगा क्योंकि LXi मॉडल में सर रखने के लिए हेडरेस्ट नहीं आते हैं। सीट कवर्स अगर आप खरीदते हैं तो पीछे सर रखने के लिए हेडरेस्ट जो नहीं आते हैं, एक रुपया भी आपको उसका नहीं देना है। टोटली मेरी तरफ से फ्री है। किस तरीके से ये ऑफ़र जो हम लोग ने निकाला हुआ है, स्टेयरिंग और आमरेस जो हमारा फ्रॉन्क्स का ऑफ़र है ब्रेजा में भी आप लोगों के लिए हम लेके आ गए हैं। 5000 रुपीज़ में स्टेयरिंग देंगे दोस्तों टॉप एंड मॉडल का, 3000 रुपीज़ में आमरेस्ट आपको देंगे मारुति का जेन्यून, 8000 रुपये में स्टेयरिंग एंड आमरेस्ट दोनों आपको देंगे। ये आप लोगों का प्यार है क्योंकि इतने ब्रेजा के नॉनस्टॉप जो हमें बुकिंग्स आ रही हैं, मैं सर कस्टमर्स बोलते हैं सर आपने फ्रॉन्क्स पे दिए हमको भी दिए, ब्रेजा वालों को भी हम देंगे। किस तरीके से द कंप्लीट इंटीरियर ऑफ द कार हैज़ बीन डन विद द सीट कवर्स ऑफ द, देख सकते हैं ब्रेसलेट सीरीज़ के किस तरीके से हमने अपग्रेड किए हैं। बेज कलर इन द फ्रंट, डार्क ब्राउन वॉलनट कलर इन द बैक। जस्ट सी द फिट फिनिशिंग डिज़ाइन क्वालिटी ऑफ दी सीट कवर्स। ये फेदर फिट ब्रांड के आते हैं, ओरिजिनल ये आते हैं। प्लस इसकी जो ये पहचान है, इसकी परफोरेशन है, इसका सेंटर का पार्ट पूरी परफोरेटेड आता है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड सपोर्ट आता है लेफ्ट एंड राइट में, जो चेक्स स्टिचिंग के साथ आप लोग देख सकते हैं हाईलाइटेड है। टॉप गियर कंपनी का डोर लेदर हमने इसमें किया हुआ है। दरवाजे जो पूरे ब्लैक थे उनको वॉलनट विद द वनीला स्टिच के साथ हमने कोट किया हुआ है। यू कैन जस्ट सी द लुक ऑफ माई डोर पैनल्स। पूरी गाड़ी में बैठने का जो मज़ा है इज विद द हिडन एम्बियंट लाइट। डैशबोर्ड क्या, दरवाजे क्या, इज हाईलाइटेड विद द स्ट्रॉ ऑफ लाइटिंग। एम्बियंट लाइट तो लगा ही है बट कोई देख के बोलेगा नहीं कि ये बाहर से लगी, ऐसा लगेगा मारुति ने लगा के दी है क्योंकि ये इस सिल्वर एलिमेंट के नीचे से ये लाइट निकल रही है। इस एम्बियंट लाइट का लुक आप लोग देख सकते हैं चारों इनर हैंडल्स पे भी हमको है, जहाँ पे हम हैंडल खोलते हैं, जहाँ पे हम बॉटल रखते हैं, जहाँ पे हम पाँव रखते हैं, किस तरीके से हमने इंटीग्रेट की है। द फुल कार्बन फाइबर इंटीरियर स्टाइलिंग किट जिसका लेफ्ट राइट आप लोग देख सकते हैं, कंप्लीट पैनल इज अ हाइड्रोकार्बन डिप्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट एक्सट्रीम कॉर्नर टू द राइट एक्सट्रीम कॉर्नर। इंटीरियर स्टाइलिंग किट हमने लगाई है 10.1 इंच का जो प्लेयर हमने लगाया है, नेट प्ले ब्रांड का आता है। एक बार फिर से 4K वीडियो क्लैरिटी के साथ है। एक एक पिक्चर, एक एक कलर की क्लैरिटी देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है। जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर जो हमको उसके अंदर देखने को मिल रही है। ये चीज़ चाहिए दोस्तों गाड़ी में जब हम बैठते हैं तो, ये क्लैरिटी चाहिए, ये टच रिस्पॉन्स चाहिए, ये ऑफलाइन मैप चाहिए, ये एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस चाहिए, ये क्लैरिटी हमको उसके अंदर चाहिए। किस तरीके से जो लुक है स्कफ प्लेट्स के साथ है, दरवाज़ा खोलने पे ब्रेजा का नाम एंड उसमें इल्यूमिनेशन, हेडलाइट में जो बल्ब हेलोजन आते थे उनको ओजुम ब्रांड की LEDs के साथ हमने अपग्रेड किया है। जस्ट सी द परफॉर्मेंस ऑफ दीज LEDs इन द इवनिंग टाइम। रोड पे जो रोशनी है फोकस्ड है, वाइट है। आवाज़ अगर अच्छी चाहिए गाड़ी में तो ऑडिसन के स्पीकर्स लगाने पड़ेंगे। एक बार फिर से ऑडिसन के कॉम्पोनेंट्स लगे हैं आगे एंड को एक्शियल्स लगे हैं पीछे। है स्पीकर बट जो आवाज़ आपको मिलेगी एक तरीके से वूफर की मिलेगी क्योंकि चाह के भी इंसान
वूफर नहीं लगा सकता है डिक्की में, क्योंकि सीएनजी मॉडल है। ऑडिसन के कंपोनेंट्स एंड को एक्सियल के साथ जो लुक हमने दिया है आप लोगों के सामने है, ये एलेक्स आई मॉडल है। बट जो आज ऑफर हम लोग लेके आए हैं 8,000 रुपीज में स्टेयरिंग एंड आर्मरेस्ट सीट कवर अगर आप लगाते हैं तो हेडरेस्ट मेरी तरफ से क्यों नहीं दूंगा, जो ये मेरी फैमिली है ब्रेजा की, सनग्लास होल्डर हमने इसके अंदर इंटीग्रेट किया है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंपनी ने लाइट ही नहीं दी है आगे। अ प्लेस फॉर कीपिंग योर सनग्लास बंद हो गया, जेन्यून आता है मारुति का, प्लस केबिन लाइट गाड़ी में इम्प्रूव हो जाती है, अल्टीमेट प्रोडक्ट है दोस्तों। ये सब चीज़ें हैं ZXI मॉडल लेने के बावजूद भी आपको नहीं मिलेगी। द सनग्लास होल्डर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन द कार, जो लुक हमने दिया है, रिफ्लेक्टर लाइट्स नीचे की डमी आती है वो भी रिप्लेस करके LED हमने उसमें अंदर की है। ये गाड़ी जो हमने बनाई है, सर हमारे साथ में है, सर का हम वेलकम करते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं। कैसी गाड़ी आई थी सर सुबह, और जो पूरा अभी एक लुक दिख रहा है, दो लाइन हमारे दिखने वालों के लिए। जी जी, ज़रूर ज़रूर। रोहित भाई का जो चैनल है मैंने 6 महीने से उनको फॉलो सब्सक्राइब किया हुआ है, तो एक्चुअली ये गाड़ी हमने कल ही लिया, तो कल डिलीवरी लेने के बाद अभी ये जो पूरा काम किया है, ये मेरे जीजा का गाड़ी है, उनको सरप्राइज के लिए मैंने उनको झूठ बोल के लाया, गाड़ी घूम के आता हूँ बोला, लेकिन अभी ये गाड़ी का पूरा जो काम किया है और इसका मतलब म्यूजिक सिस्टम जो है एकदम बढ़िया है, ऐसा लगेगा ना कि बाहर का आवाज़ तो छोड़ ही दीजिए, म्यूजिक सिस्टम जो भी काम किया है सब एकदम एक नंबर किया है। बराबर है, इसके लिए थैंक यू, आपको शुक्रिया करते हैं, जीजा जी को हम थैंक यू करते हैं। और मेरे को एक ही फ़ोन आया था कि रोहित जी आपके पास आएंगे, और जीजा जी है ज़रूर इस वीडियो को कमेंट करेंगे, क्योंकि वो आए नहीं ना, इसके लिए वो कमेंट करके बताएंगे, आना चाहिए। और ऐसी और ब्रेजा हम लोग आपको बताएंगे। इसका लुक देखिए दोस्तों, एम्बियंट लाइट का चाहे लुक हो, वाइट एंड ब्लैक का चाहे लुक हो, आगे पीछे का बम्पर का लुक हो, बल्ब ऊपर बल्ब नीचे, वाइट गाड़ी ब्लैक साइड से रेड सामने, ये चीज़ है। ये ऑडिसन के जो स्पीकर हमने लगाए हैं आप लोग देख सकते हैं, स्टेयरिंग जो कंपनी से लग के आता था कुछ इस तरीके का था। एयरबैग आपका ही है, बट जो पकड़ने वाला पार्ट है वो चेंज हो गया है। सर रखने को हेडरेस्ट नहीं थे, दोनों सीट के बीच में हाथ रखने के लिए आर्मरेस्ट नहीं था। ये चाहे आर्मरेस्ट हो, ये स्टेयरिंग हो, ये हेडरेस्ट हो, ये सनग्लास होल्डर हो, ये सारी चीज़ें मारुति की जेन्युइन आती है। कैसी ये गाड़ी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताइए। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू।